और एक बात बताऊं आप लोगों के लिए, माताएं बहनें ध्यान रखना, घर गृहस्थी में अगर कोई जगह पवित्र होती माताओं बहनों के लिए तो वो कौन सी जगह होती है बता? कौन सी जगह होती है पवित्र घर गृहस्थी में? क्या होती? तेज बोलो सब लोग, क्या होती है? बहुत सुंदर, अबे आवाज कम कम करो, बोलो कर रहे, क्या होती है? सब लोग ये सुर में बोलो, सबसे पवित्र जगह आप लोगों के लिए कौन सी होती? रसोई घर, जिसे देहाती भाषा में चूलो चौका बोलते हैं, अंग्रेजी में किचन। हमने पहले बताया दो ने, हमने सबसे पवित्र जगह होती है माताओं बहनों के लिए रसोई घर। और वास्तव में रसोई घर को साफ सफाई करने के बाद ही उसमें खाना बनाना चाहिए। और रसोई गृह जिसका दूसरा रहता उसके यहाँ कभी भगवान वास नहीं करते, ना देवताओं का बसेरा होता। लेकिन आप कछु परिवर्तन हो गया, पहले की माताओं का नियम था बेचारी, आज उस दिन ऐसी डुकरियां हैं कि जब तक सवेरे नहाए नहीं ली भले सर्दी में बेचारी जड़ाए जाएं, हाँ ठंडाए जाएं, लेकिन आज भी हमारी माताएं जो पुराने जमाने की आज भी स्नान कर लेती हैं, याद रखना। आजकल तो अब नई नई जो बहने हैं इन्हें बहुत सर्दी लगा था, हाँ अब तो दशा ये है रसोई घर को कोई महत्व नहीं समझो इन्हें, जैसे इनको मन चलो कि कचौड़ी बनाए, नमकीन चीज पे मन है तो इन्हें आलू मिक्स, आलू उबाल के मिक्स किया सारा मसाला मिर्च नमक सब कुछ मिक्स करके और भरता बना लिया कचौड़ी के लिए। अब सोचने लगी नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्ची कम ना रह जाए, पता नहीं मेरे पति हैं उन्हें नमक कम पसंद है और मेरे छोटो बालक उसे मिर्ची बहुत पसंद है, अब क्या करें? उनने कही अब कोई टेस्ट करने वालों तो है नहीं, जाते आंगन में कोई दिखाई नहीं दे रहा, डुकरिया लेटी बाहर बंगला में, अब क्या करें? उनने कही को देखत है जर रसोई घर में, उन्हें कही हम ही मसक ले, उन्हें भी आलू फोटे और बस मुंह में डाले, कहने लगी तुम्हारी किसम नमक तो ठीक है मिर्ची किसी ज्यादा हो। माता बहनों भाई बंधुओं उन्होंने सोचा तो को देखे थे आराम से, जे ये नहीं पता है कि मैंने रसोई गृह की सामग्री जूठी कर दी। कछु माताएं बहने ऐसी होती लोभन स्वभाव की, उनने सोची आज खीर बनाई है और खीर बनाए के उनने खीर बन जाए रही है, उनने चीनी डाल दी, अब सोचती है मीठी ज्यादा ना हो जाए, सीटी ना कम रह जाए तो गजब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मीठी मेरे छोटो वालो मोड़ा खात ना है और सीटी मेरे पति पसंद ना है करते हैं। उनने गर्म ही गर्म चिमचा चारो और गर्म ही गर्म मुंह में डाल ली, सो जीवो जरिए हाय मीठी कछु ज्यादा ही हुई है, आटा गूंथती जा रही है और तब तक उधर से बालक चलो आ रहा है, बच्चा चलो आ रहो सामने से, क्या देखा ऐसो मालूम पड़ रहा है जैसे पूरे मुंह पर मोमबत्ती की फैक्ट्री खुली हुई, ओई लंबी निकल आ तो फिर खींच ले तो फिर निकल आ तो फिर खींच ले। उनने कहा ये दारी कहते आ सर्दी है गई, तूने सवेरे सवेरे कोल्ड ड्रिंक पी ली तम जुखाम हुई हो, उनने खींची और फेंक दई आटा गूंथती थी भाई साड़ी से हाथ पहुंचे और फिर चालू कर दो काम हाथ ना है धोले। और कछु ऐसी माताएं बहने होती कि उन्हें शाम को भोजन बनाओ सो 10-15 रोटी बैठ के चूल्हे में खींची, हाँ 10-15 रोटी खींच गए अब ज्यादा पेट भरियो, अब ना उठो जा ना बैठो जा। उनने कही बर्तन जे लिसे पड़े सब्जी के सवेरे धोए हैं पड़े रांधे हो आराम से लेटे हैं और आराम से सब्जी के बर्तन लिसे पड़े रसोई घर में चूल्हे में पतीली में सब्जी लगी कढ़ाई में सब्जी लगी और चुपचाप 6 बजे सोई शाम को गुर्राटे लेके और तब तक गांव की कुतिया खजिया बेचारी भूखी टूटी पहुंची, सोची कछु ना कछु तो मिल ही जाइए काऊ के घर में, सो बाई रसोई घर में पहुंची जो श्रीमती जी गुर्राटे लेके सोई रही, कुतिया ने देखो बड़ो मालताल है कढ़ाई में जीव लेके लग गई, चाटा चाट चाटा चाट कढ़ाई और पतीली बने बिल्कुल धुल के चिकन करके लग गई। अब वे सवेरे जगी आंखी मीचती जाती और सोचती है हमें पहले जब देख ले में माथे की बिंदिया थोड़ी पे तो ना आई सिंगार तो ना बिगड़ी हो और उनने शीशा देखो सिंगार दोनों खकोई के क्रीम पाउडर पोत के वहां पे और अब रसोई घर में बुली
तो जैसे चौका में चूल्हे में गुली सोच रही है हमने बर्तन धोले तो आते ना है, लेकिन जो धोले रखे हैं कहाँ बात है। हमें ऐसे मालूम पड़ रहा है हमारी बेटी स्कूल गई है और बिटिया ने सोची कि मम्मी जगनाए पाए तब तक बर्तन ही धुल दे में। तो बिटिया ने हमें जगा उन्हें बर्तन धुल के रखी साफ करके। अब उन्हें क्या मालूम है कि बिटिया ने कुतिया लगी रही रात भर। उन्हें बह कढ़ाई उठाई और चढ़ाए दई सब्जी फिर बनाए लई आराम से खुद खाई सब घर को खवाई। जाने मालूम कि कुतिया सब रात लगी रही कबड्डी खेलत रही सो कोई मतलब ना है। माता बहनों खैर यहाँ तो माताएं बहनें सब अच्छी हैं और संस्कार हैं जिनके अंदर शिक्षित हैं। यहाँ की तो बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है इसलिए मैं बता रहा हूं। लेकिन एक बात कहेंगे माताओं बहनों जिसके रसोई गृह में जूठन रहता है रसोई गृह अपवित्र रहता है उसके घर में कभी भगवान का वास नहीं होता कभी देवता नहीं रुकते भूत प्रेत बसते हैं। और एक बात बताएंगे माताओं बहनों के लिए चार प्रकार का खाना कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए भोजन। कौन कौन चार प्रकार के भोजन ग्रहण नहीं करने चाहिए कौन कौन जो हमें दर्दता प्रदान करते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के भोजन आप लोगों के लिए ये बात है ना कि हम लोग तो भोजन से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं रसोई घर का काम तो आप लोगों का है। प्रथम भोजन जिस परसी हुई थाली में बाल निकल आए केस पड़ा हो वो भोजन गंदगी के समान होता है। जिस परसी हुई थाली में केस निकल आए बाल बाल और दूसरा पैर की ठोकर लगी हुई थाली में थाली परसी रखी है ठोकर लग गई उस भोजन को ग्रेड नहीं करना चाहिए। ठोकर लगा हुआ भोजन ग्रेड करेगा उसे दर्दता घेर लेगी वो दर्दता प्रदान करता है भोजन। तीसरे प्रकार का भोजन लहंगा हुआ परसी हुई थाली रखी है और कछु माताएं बहने होती है किचन में कछु सामान लेनो है रसोई घर में भोजन परसो रखो है उनने छलांग लगाई पल्ली साइड गिरी जान और फिर उधर से सामान उठाए गए ये गिरी जान लांगी भोजन को जा मालूम पड़ रहा मंजे कबड्डी खेल रही उधर से उधर उधर से उधर लांगा हुआ भोजन भ्रष्टा के समान होता है भ्रष्टा के समान। और चौथे प्रकार का भोजन के जिस भोजन को एक साथ पति पत्नी एक थाली में बैठ के करते हैं वो भोजन मदरा के समान होता है। पति पत्नी को एक साथ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब आप लोग सोच रही होगी कि शास्त्री जी हम पति पत्नी में तुम प्रेम है जो एक साथ खा लेते अब तुम प्रेम में तकरार डलवाओ छो तो मना नहीं कर रहे खा जरूरी नहीं है आराम से दोनों लोग अलग अलग पात्र में परोसो ले खा। और एक बार और बताऊं जो मेरे शास्त्रों में लिखा है मैं वो बता रहा हूं जो मैंने आंखों से देखा पढ़ा के जिस पत्नी जो अपने पति को भोजन ग्रहण करा दे उसके बाद उसी जूठी थाली में जूठे पात्र में अगर पत्नी भोजन ग्रहण करती है तो वो चारों तीर्थों के प्रसाद से भी ज्यादा उसका महत्व माना जाता है। पत्नी पति की जूठे पात्र में जूठी थाली में भोजन रख के परोस के खाती है तो चारों धामों के प्रसाद से भी ज्यादा उसका महत्व होता है वो भी एक शर्त पर पति को रोग ना हो तो। अब पति कोरोना पॉजिटिव है तुमने भी खा लिया तुम भी पॉजिटिव हो जाओ। पति को डायबिटीज है शुगर है स्नो पी लिया है तो तुम्हें भी बीमारी घेर लेगी। पति स्वस्थ है तो हाँ। और एक बात और बताएं कि जब तक घर में कन्या कुआरी है जब तक कन्या घर में कुआरी है तो कुआरी कन्या के साथ में बैठ करके पिता भोजन करता है तो उस बाप की अकाल मृत्यु नहीं होती है वो बेटी अकाल मृत्यु को हर लेती है। कब तक जब तक बेटी कुआरी है कुआरी कन्या के साथ में बैठ के पिता भोजन करता है कई थाली में तो पिता की अकाल मौत नहीं होती है वो मृत्यु अकाल मौत को कन्या हर लेती है। और एक चीज और बताएं हम आपको सबसे बड़ा खतरा है जो रसोई घर में क्या नींबू और मिर्ची।
आप लोगों ने देखा वो गृह प्रवेश कराओ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराओ तो नींबू मिर्ची को गेट के बाहर बना हुआ देखा होगा। देखा कितने लोगों ने देखा? अब ये बताओ तुम लोग जानते हो कि इसका कारण क्या है? नहीं बता सकते कोई? बताओ। देखा तो बहुत लोगों ने होगा, सभी ने देखा होगा जो नए मकान में कोई गृह प्रवेश हो या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो नींबू मिर्ची दरवाजे पर लटकाए दी। तुमने दुकानदार के पास में जाओ तो दुकानदार की दुकान के बाहर लटकी हुई है नींबू मिर्ची, याद रखना। इसका कारण क्या है मैं बताऊं तुम्हें, जो मैंने पढ़ा क्या नींबू और मिर्ची इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता को, लक्ष्मी और दरिद्रता को भगवान विष्णु का वरदान है। कैसा? कि तुम प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाओ, घर घर की इंक्वायरी करोगी। ये विष्णु जी का आदेश है दरिद्रता और लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी को पसंद है मीठा और दरिद्रता को पसंद है खट्टा और तीखा। हाँ तो नींबू मिर्ची बाहर होते हैं ना, दरिद्रता आकर के नींबू मिर्ची को खा करके वहीं से दरवाजे गेट के अंदर नहीं जाती, बाहर से ही लौट जाती है और लक्ष्मी जी प्रवेश हो जाती घर में। और जिसके रसोई घर में एक साथ नींबू मिर्ची रहते हैं उसके घर में दरिद्रता प्रवेश हो जाती है। कभी रखने नहीं माता और बहनों, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर बाजार में भी जाओ और दुकानदार एक पॉलीथिन एक पन्नी में नींबू मिर्ची रख के देवे मत ले, बोले अलग अलग कर, एक साथ नहीं। और दूध और मठा एक साथ नहीं रखना चाहिए, एक ही झोले में मैंने देखा है कि दूध मठा साथ में रखा है, कभी नहीं। जिस एक झोले में एक पॉलीथिन में दूध मठा होता है माताओ, उस घर में भी दरिद्रता घुल जाती है। हाँ नींबू मिर्ची अलग अलग रखनी चाहिए, लेकिन आज मैंने देखा आज की स्थिति, कथा सुनने आई हो ढोला नौटंकी नहीं, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, ऐसा नहीं कुछ लेके जाओ आई हो तो। आजकल मैंने देखा है कि आराम से इनने फ्रिज में नींबू मिर्ची एक साथ रख दी आराम से, बे उठाते आठ आठ दिन हो जाओ तो चल रहा हूं मामला है। लेकिन नींबू मिर्ची को अलग रखना चाहिए साथ साथ में। माता बहनो मैया जसोदा ने भगवान कन्हैया को पीट दिया, कादारी के तेने रसोई गृह में जूठन कर दिया। माता बहनो भगवान कन्हैया रोते हुए बाबा नंद के पास में पहुंचे।